नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और मैं हूँ आपके साथ सुजाता। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय की हत्या करके उसकी लाश को बोरे में भरकर इंदिरा नहर में फेंक दिया गया। जानकारी के मुताबिक फोन का पैसा ना देना पड़े इस वजह से आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इधर जब डिलीवरी बॉय अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, खोजबीन शुरू की गई और हफ्ते भर बाद पुलिस की जांच के दौरान दो हत्या के आरोपी पकड़े गए। आइए इस वीडियो में आपको पूरी वारदात के बारे में बताते हैं। लखनऊ में एक शख्स ने ऑनलाइन फोन ऑर्डर किया था। पेमेंट के लिए कैश ऑन डिलीवरी यानी जब सामान पहुंच जाए तो पैसा दिया जाएगा ऑप्शन चुना, लेकिन जब डिलीवरी बॉय मोबाइल लेकर उसके घर पहुंचा तो उसने अपने साथियों के संग मिलकर उसकी हत्या कर दी और मोबाइल लेकर गायब हो गए। इधर जब डिलीवरी बॉय घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। हफ्ते भर बाद पुलिस की जांच में दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 30 वर्षीय डिलीवरी बॉय की उस समय हत्या कर दी गई जब वो एक ग्राहक को फोन देने गया था। ग्राहक ने डिलीवरी बॉय की हत्या इसलिए की ताकि उसे 1,00,000 रुपए कैश ऑन डिलीवरी के लिए देने न पड़े। आरोपियों ने इसके बाद शव को नहर में फेंक दिया। कॉल डिटेल और लास्ट कॉल लोकेशन के आधार पर हफ्ते भर बाद मामले का खुलासा हो पाया और दो आरोपी पकड़े गए, जबकि मुख्य आरोपी अभी तक फरार है जिसकी तलाश जारी है। डिलीवरी बॉय का शव भी अभी तक बरामद नहीं हुआ है। मृतक का नाम भरत कुमार बताया जाता है। 30 साल उसकी उम्र थी, जो एक ई कॉमर्स कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। बीते दिनों लखनऊ के चिन्हट निवासी हिमांशु कनौजिया के नंबर से फोन ऑर्डर किए गए थे जिनकी कीमत करीब 1,00,000 रुपए के करीब थी। भरत 24 सितंबर को मोबाइल डिलीवरी करने के लिए चिन्हट के देवा रोड स्थित हिमांशु के घर पहुंचा। भरत ने फोन किया तो हिमांशु ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके अपने साथी गजानन से उसकी बात कराई। गजानन ने कहा कि वो मोबाइल रिसीव कर लेगा, लेकिन जब भरत मोबाइल फोन डिलीवर करने पहुंचा तो गजानन ने अपने एक साथी आकाश के साथ मिलकर उसका गला दबा दिया, उसकी हत्या कर दी, उससे मोबाइल और पैसे छीन लिए और फिर उसके शव को बोरे में भरकर नहर में फेंक दिया। आरोप है कि दोनों फ्री में मोबाइल लेना चाहते थे। इसी बात को लेकर दोनों का भरत से झगड़ा हो गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई और शव को नदी में ठिकाने लगा दिया गया। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें भरत अपनी बाइक से पार्सल डिलीवरी करते हुए जाता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक भरत 24 तारीख को घर से काम के लिए निकला था, लेकिन जब वो वापस घर नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने 25 सितंबर को चिन्हट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करते हुए भरत के मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल की जांच की, जिससे उन्हें आखिरी कॉल गजानन के नंबर से होने का पता चला। इस सुराग के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। पूछताछ के दौरान आकाश ने हत्या की वारदात कबूल लिया है। डिलीवरी बॉय भरत अमेठी का रहने वाला था। वो लखनऊ में एक किराए के मकान में अपनी पत्नी और बहन के साथ रहता था। वो 8 साल से डिलीवरी बॉय का ही काम कर रहा था। घर वालों ने बताया है कि 24 सितंबर को वो घर से पार्सल डिलीवरी करने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। इस वारदात में गजानन मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जबकि आकाश और हिमांशु उसके साथी हैं। गजानन अभी तक फरार है, जबकि आकाश और हिमांशु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गजानन ने 2 महीने तक भरत के साथ काम किया था, ये बात सामने आई है। दोनों एक कंपनी में काम किया करता थे। गजानन को लेकर भरत के भाई प्रेम कुमार ने कहा कि दोनों में ना तो कोई दोस्ती थी और ना ही कोई विवाद था। गजानन ने कंपनी के करीब 2,50,000 रुपए का हेरफेर किया था। उसके पास से काफी सामान मिला था, इस वजह से ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। अभी वो एक हार्डवेयर की छोटी सी दुकान चलाता है, जबकि आकाश कारपेंटर का काम करता है। मामले में परिवार ने 25 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने भरत के कॉल डिटेल के जरिए गजानन का नंबर ट्रेस किया। गजानन के दोस्त आकाश ने पूछताछ के दौरान अपराध कबूल लिया। हालांकि पुलिस को अभी तक भरत का शव बरामद नहीं हुआ है। SDRF की टीम इंदिरा नहर में शव की तलाश कर रही है। इस खबर में इतना ही। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ अब लगातार जुड़े रहिए।